लगता है जो जादू की छड़ी राजस्थान वालों के पास थी उसे आरसीबी वालों ने चुरा लिया है, क्योंकि राजस्थान शुरुआत में लगातार जीत रही थी और आरसीबी लगातार हार रही थी, और अब आरसीबी लगातार जीत रही है और राजस्थान लगातार 4 मैच हार चुकी। कल पंजाब के खिलाफ राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ओवर की चौथी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। पावर प्ले में सिर्फ 38 रन बने थे, दबाव में शॉट मारने के चक्कर में संजू भी आउट हो गए। संजू के आउट होने के बाद एक बार फिर से मोर्चा संभाला रियान पराग ने। पराग ने अपने पिछले सीजन के आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक और इम्पोर्टेंट पारी खेलकर राजस्थान को 144 तक पहुंचाया। 144 का टारगेट छोटा था, लेकिन राजस्थान के पास बोल्ट है, उन्होंने पहले ही ओवर में एक विकेट निकालकर दे दिया। 48 रन आते आते पंजाब के 4 विकेट गिर चुके थे। सैम करन ने रिटेन करने लायक पूरे सीजन कुछ किया तो है नहीं, और ऊपर से ये उनका आखिरी मैच था, तो अगले साल ऑक्शन में उनको बढ़िया प्राइस मिले, इसलिए उन्होंने आखिरी मैच में शानदार 63 रन बनाकर पंजाब को मैच जिता दिया। पंजाब की इस जीत से राजस्थान की टॉप 2 में जगह अब खतरे में है। आपको क्या लगता है कि राजस्थान टॉप 2 में फिनिश कर पाएगा या नहीं, बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।